गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आई एम श्योर आप सब एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। और जैसा हमें मालूम है कि हम बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ कोफी। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू कर दिया था लास्ट टाइम और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम पढ़ते हैं। कहते हैं योर सबकॉन्शियस इज योर बुक ऑफ लाइफ। जिंदगी की किताब क्या है जो आपकी जिंदगी में पन्ने खोल रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं ये समझाया गया है। पैराग्राफ बहुत अच्छा है। वट एवर थॉट्स बिलीफ्स ओपिनियंस थ्योरीज और डॉगमास, हिंदी में इसका मतलब देगा सिद्धांत, यू राइट कॉमा एनग्रेव कॉमा और इम्प्रेस ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। फोन कर रहा है ये, आप लिख रहे हो या एनग्रेव कर रहे हो या इम्प्रेस कर रहे हो, आप कर रहे हो, ध्यान रखना। यू शेल एक्सपीरियंस देम एज द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंडीशंस एंड इवेंट्स। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस कर रहे हो, एनग्रेव कर रहे हो, लिख रहे हो, वो यू शेल एक्सपीरियंस, वो होगा ही होगा। किस फॉर्म में? आपके सर्कमस्टांसेस की फॉर्म में, आपकी कंडीशंस की फॉर्म में और इवेंट्स की फॉर्म में। तो मतलब जो हो रहा है इसका रचयिता कौन है? आप खुद। वट एवर इज हैपनिंग योर लाइफ, हम कई बार डिस्कस करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्यों? मैंने ही तो उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट किया, इनवाइट किया बाय राइटिंग इन माय सबकॉन्शियस माइंड। मैं जब तक नहीं लिखूंगा सर्कमस्टांस होगा ही नहीं। अब मानना बड़ा मुश्किल है, कई बार लोग जिद कर देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता जी, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरे साथ नेगेटिव क्यों होता है? इसका आंसर अभी मिलेगा आपको इस पैराग्राफ के एंड में। आगे चलते हैं। वट यू राइट ऑन द इनसाइड यू विल एक्सपीरियंस इट ऑन द आउटसाइड। इसको उल्टा अगर करें कि वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द आउटसाइड तो हु हैज रिटन ऑन द इनसाइड? यू। तो यू आर द राइटर। यू हैव टू साइड्स ऑफ द लाइफ। जिंदगी के दो साइड हैं आपके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सब्जेक्टिव माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। विजिबल एंड इनविजिबल, कुछ चीजें नजर आ रही हैं, कुछ नजर नहीं आ रही। थॉट एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, पहले थॉट आती है फिर उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। आगे कह रहे हैं, योर ब्रेन रिसीव्स योर थॉट विच इज द ऑर्गन ऑफ योर कॉन्शियस रीजनिंग माइंड। साइंस समझा रहा है थोड़ा सा, कॉन्शियस रीजनिंग माइंड का जो पार्ट है वो ब्रेन बोला है उसको। वेन यूर कॉन्शियस और ऑब्जेक्टिव माइंड एक्सेप्ट द थॉट कंप्लीटली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन समझने वाली है। थॉट तो आई, लेकिन जब आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कंप्लीटली, कोई डाउट नहीं रहता कि ये तो सच है, उसके बाद ये कहाँ जाती है थॉट? इट इज सेंट टू द सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्रा जीलिंग के अंदर हमने पढ़ा था, चक्रा 7 चक्रा में होते हैं। इट इज सेंट टू द सोलर प्लेक्सेस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ योर माइंड। माइंड का ब्रेन उसको बोलते हैं। वेयर क्या होता है वहां जाके? इट बिकम्स फ्लैश एंड इज मेड मैनिफेस्ट इन योर एक्सपीरियंस। थॉट आई, आपके कॉन्शियस माइंड उसको पहले एक्सेप्ट किया, फिर उस पर 100% विश्वास किया। जब उसको लगा ये बिल्कुल सही है, वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में भेज दी जाती है। कहाँ भेजी जाती है? सोलर प्लेक्सस में। और वहां वो जैसे एक बच्चा पैदा होता है माँ के घर में, वो शेप लेना शुरू कर देता है, वैसे सोलर प्लेक्सस में जाके वो फ्लैश के फॉर्म में शेप लेना शुरू कर देता है। और कहाँ निकल के आता है? आपके सर्कमस्टांसिस के फॉर्म में, राइट, एक्सपीरियंस के फॉर्म में। एज प्रीवियसली आउटलाइंड योर सबकॉन्शियस कैन नॉट आर्ग्यू। मैं तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, जो थॉट आपने भेजी होगा हुक्म मेरे आका, मैं तो सर्च करके रहूंगा इसको। इट एक्ट्स ओनली फ्रॉम व्हाट यू राइट ऑन इट।
वो काम उसी पे करता है जो आप लिख रहे हो। इट एक्सेप्ट योर वर्डिक्ट और द कंक्लूजन्स ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एज फाइनल। वर्डिक्ट देता है ना, कोर्ट ने अपनी वो सुना दिया, वर्डिक्ट सुना दिया, तो आपके कॉन्शियस माइंड ने जो वर्डिक्ट सुनाया वो उसको एज अ वर्डिक्ट लेता है। ये तो अब सच करना ही पड़ेगा, इसको कोई दो राय है ही नहीं है, कोर्ट का समन है ये तो मेरा, डिक्री वर्ड हम पढ़ते हैं इसमें जैसे, है ना। सो इट एक्सेप्ट योर वर्डिक्ट और द कंक्लूजन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एज फाइनल। दिस इज वाई यू आर ऑलवेज राइटिंग ऑन द बुक ऑफ लाइफ। आप ही आज जो लिख रहे हो वो कल मैनिफेस्ट होने वाला है, सोचिए। इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है स्वामी सुनील सुखीजा जी की, हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो आपके पास में लिखी हुई चीजों के कारण हो रहा है। आज जो सोचोगे, आज जो बोलोगे, वो आने वाले टाइम में होने वाला है। राइट, इसी को अगर जो हो रहा है उसी को हम बोलते रहेंगे तो आने वाले टाइम में भी वही होगा। आज वही लिख रहे हो, कल होने वाला हो। तो अगर आप रिपीट चाहते हो तो वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लोग। आगे पढ़ना, बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसके अंदर। दिस इज वाई यू आर ऑलवेज राइटिंग ऑन द बुक ऑफ लाइफ, बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर एक्सपीरियंसेस। जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है हमारी थॉट्स की वजह से हो रहे हैं। एक अमेरिकन ऑथर हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन, नाम सुना होगा आपने तो कई लोगों ने। उनकी बहुत पावरफुल लाइन है, स्टेटमेंट काफी पॉपुलर हुई है, मैन इज वट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। अभी जैसे हमने बात की, कुछ लोग कहते हैं हम तो पॉजिटिव से होते हैं तो मेरे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है। अभी आपने पॉजिटिव दिन में कितनी बारी सोचा, पूरा दिन क्या सोचते हो वो आप बनोगे। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप 90% टाइम, मैं कहूंगा ऐसा नहीं होता 100% ही हो, लेकिन 90% भी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा। ऑल डे लॉन्ग जब सोचते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वट इज इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस इज एक्सप्रेस्ड। जो इम्प्रेस करेंगे वही एक्सप्रेस होने वाला है। विलियम जेम्स द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी सेड दैट द पावर टू मूव द वर्ल्ड, द पावर टू मूव द वर्ल्ड, संसार को हिलाने वाली पावर किसके अंदर है, इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। कितनी पावरफुल स्टेटमेंट बोल दी उन्होंने। आप विश्वास से कहते हैं पर्वतों को हटाया जा सकता है, बुक में पढ़ रहा था, लेकिन वही हटा सकते हैं जिनके पास विश्वास होता है। जो विश्वास ही नहीं कर रहा आज थोड़ी हो सकता, तो उनके लिए भी नहीं हो सकता। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वन विथ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड बाउंडलेस विजडम। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वट एवर यू इम्प्रेस अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड द लेटर, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड विल मूव हेवन एंड अर्थ, कहते हैं ना जमीन आसमान एक कर देगा वो, टू ब्रिंग इट टू द पास, टू ब्रिंग इट टू पास, मतलब उसको सच करने के लिए जमीन आसमान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, कहते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड करने लग जाता है हमारे लिए। यू मस्ट देयर फोर क्या करना चाहिए, इम्प्रेस इट, इट मीन सबकॉन्शियस माइंड, किससे, विद राइट आइडियाज एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। कितने सिंपल वे में समझाया है कि वही आप ही तो लिख रहे हो अपनी जिंदगी का भविष्य, तो वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। द रीजन देयर इज सो मच क्योस, ये सुनिए, वो कह रहे भी देयर इज सो मच क्योस एंड मिजरी इन द वर्ल्ड, उसका रीजन क्या है, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शन ऑफ देयर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आम इंसान को पता ही नहीं है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है, किसी कैसे प्रिंसिपल्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो वो इसीलिए क्योस है, इसलिए मिजरी है वर्ड के अंदर। व्हेन दीज टू प्रिंसिपल्स वर्क इन अकॉर्ड, यानी कि एग्रीमेंट, एक साथ चलते हैं, इन पीस विद एंड सिंक्रोनसली टुगेदर, एक साथ एक समय में अगर साथ चलते हैं, फिर क्या आएगा, यू विल हैव हेल्थ हैप्पीनेस पीस एंड जॉय। दोनों को अच्छी तरीके से साथ चलाना सीखना। देर इज नो सिकनेस और डिस्कॉर्ड व्हेन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस वर्क टुगेदर हारमोनियसली एंड पीसफुली। दोनों को एक साथ हारमोनियसली पीसफुली चलाएं, कहते हैं बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं आपके शरीर में कभी,
अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कैंसर में वन ऑफ द रीजंस, 5 रीजंस में से देखे उन्होंने, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी था फॉर योर नॉलेज, कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसको लाइटली मत लीजिए, उसको आप इम्प्रूव करें। जो हमारा FLDRP प्रोग्राम चल रहा है, फैट लॉस एंड रिवर्सल प्रोग्राम, उसमें बहुत सारे बेनिफिट लोगों को मिले हैं। कॉन्स्टिपेशन 1-1.5 हफ्ते में गायब हो गई, उसको सीरियसली लें, रिजल्ट उसके लिए सोल्यूशन देखें। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम? कोई कहता है सिकनेस हो ही नहीं सकती लाइफ के अंदर। इसके बाद अगले पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि एज विद इन सो विदाउट, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर होने वाला है। एज अबव सो बिलो, इन अदर वर्ड्स, वट एवर इज इम्प्रेस्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ स्पेस। आगे चलते हैं। वट एवर यू फील एज ट्रू सब्जेक्टिवली इज एक्सप्रेस्ड एज कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स। जो आपने सोच लिया सच है वो सच होने ही वाला है, सोच लो जी आप। एज इन हेवन योर ओन माइंड, सो ऑन अर्थ इन योर बॉडी एंड एनवायरमेंट। जो आपके माइंड में है वैसे ही आपकी बॉडी और एनवायरमेंट में हो रहा है। दिस इज द ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन पढ़ते हैं, ऑल द फ्रस्ट्रेशन इज ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिजायर। डिजायर फुलफिल नहीं हो रहे लोग, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब वो क्यों नहीं हो रही, उसका रीजन बताया है इन्होंने। इफ यू थिंक नेगेटिवली, डिस्ट्रक्टिवली एंड विशियसली, विशियस का मतलब मैंने देखा इन डिक्शनरी में, एक सैम्पल लैंग्वेज में, वो तो कह रहे भी शोज एन इंटेंशन टू हर्ट और अपसेट समवन, किसी और को नुकसान पहुंचाने के थॉट अगर आपके माइंड में आई है, या आप कोई नेगेटिवली सोच रहे हो, डिस्ट्रक्टिवली सोच रहे हो, दीज थॉट्स जनरेट डिस्ट्रक्टिव इमोशंस विच मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एंड फाइंड एन आउटलेट। अब इमोशन पैदा हुआ तो उसको एक्सप्रेस होना है, उसको एक आउटलेट चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कैसे एक्सप्रेस होता है, वो कह रहा है, दीज इमोशंस बींग ऑफ अ नेगेटिव नेचर, नेगेटिव है वो, आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज अल्सर्स, हार्ट ट्रबल, टेंशन एंड एंग्जाइटीज। तो गैरा जी, बीमारियां तभी होंगी जब आप नेगेटिव सोच रहे हो। इसलिए हमारे एक स्टेटमेंट हम बार बार बोलते हैं, ईच एंड एवरी थॉट इन योर माइंड इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी। तो थॉट लेवल पे काम करें, सेल लेवल पे काम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। वट इज योर आइडिया और फीलिंग अबाउट योर सेल्फ नाउ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताओ अपने बारे में, आपका आइडिया क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, सेल्फ असेसमेंट करो। एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग एक्सप्रेसेस दैट आइडिया, बताइए। एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग एक्सप्रेसेस दैट आइडिया। आप जो जी रहे हैं वो आपका अंदर क्या चल रहा है दिखा रहा है वो। योर वाइटलिटी, बॉडी, फाइनेंशियल स्टेटस, फ्रेंड्स एंड सोशल स्टेटस रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडिया यू हैव ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में क्या आइडिया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ वट इज इम्प्रेस्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन ऑल फेजेस ऑफ योर लाइफ। समझ में आ रहा है आपको सब चीजें? फटाफट कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट और लगाते हैं। वी इंजर आवर सेल्स बाय द नेगेटिव आइडियाज विच वी एंटरटेन। नेगेटिव आइडिया तो आ रहे हैं लेकिन अगर हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे उसकी पावर नहीं है, लेकिन जैसे हमने एंटरटेन किया वो पावरफुल हो जाता है जो पहले पावरलेस था। हाउ ऑफन हैव यू वुंडेड योर सेल्फ बाई गेटिंग, अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया, किससे? बाई गेटिंग एंग्री, गुस्सा करके, फियरफुल, जेलस और वेंजफुल, बदला। अब तो बताएंगे उसको, अब तो बताता बताएंगे ऐसी काटा, वो पंजाबी भी कहते हैं, अब तो दिखाऊंगा उसको, वैसा मैं बदला लूंगा, अंदर ही अंदर रिवेंज हो जाता है, वेंजफुल। दीज आर द पॉइजन्स दैट एंटर योर सबकॉन्शियस माइंड। बताओ, यू वर नॉट बॉर्न विद दीज नेगेटिव एटीट्यूड्स। कितनी पावरफुल लाइन है, पैदाइश ही नहीं है, एटीट्यूड था ये। सो फीड योर सबकॉन्शियस माइंड लाइफ गिविंग थॉट्स एंड यू विल वाइप आउट ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स लॉज्ड देयर इन। पॉजिटिव डालो, एग्जाम्पल देते हैं हम, ग्लास के अंदर
पानी भरा हुआ, और एक ब्लैक ड्रॉप डाल दिए इनके, तो सारा पानी खाली हो काला हो गया। अब उसको व्हाइट कैसे करोगे? और खूब सारा व्हाइट पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, थोड़ी देर में ग्लास ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद काला पानी बाहर आ जाएगा और सफेद पानी आपको नजर आएगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, नेगेटिविटी वाइप आउट हो जाएगी। एज यू कंटिन्यू टू डू दिस, ऑल द पास्ट विल बी वाइप्ड आउट एंड रिमेम्बर्ड नो मोर, सब मिट जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो आज से आप अगर पॉजिटिव सोचने का डिसीजन लेते हैं, तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है ये कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं। सो आई बिलीव यू आर गेटिंग द मैसेज, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ बुक। वही लिखिए, तो स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं, वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। सो लेट अस कंप्लीट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑन थर्सडे। सो बाय बाय एवरीवन।